हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे सभी। प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक है क्लास नाइन्थ चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है, चार पार्ट है थर्ड क्वेश्चन के, चारों मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो ये थोड़े डिफरेंट है, या डिफरेंट नहीं कहेंगे कि मिक्सचर है ये जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए उन सभी का। सिंप्लीफाई करना है आपको फाइनल आंसर, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली पावर को सोल्व करना है, लेकिन पावर के फॉर्म में सिंप्लीफाई करके आपको छोड़ देना है, आंसर वो आपका फाइनल हो जाएगा। देखते हैं बच्चों क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 2 रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई टू रेज, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 1/5। बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो कौन सा नियम लागू होता है? बिल्कुल बेसिक है ना, स्टार्टिंग में बताया हुआ है आपको। देखो आपके रूल्स क्या क्या हैं, ये बेसिक रूल्स हैं जो आपको यूज करने हैं इस क्वेश्चन स्पेसिफिक। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, बेस सेम है तो और पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं पावर और बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो पावर को ऐड कर देते हैं। तो आपको वही चीज यहाँ पे करनी है, बतानी है, लिखना भी है कि बाई यूजिंग क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से करोगे बच्चों आप, बाई यूजिंग ए रेज टू पावर बी, या किसी फॉर्म में लिख सकते हो आप एन टू सी रेज टू पावर डी इक्वल्स टू, सॉरी बेस सेम है बच्चों, ए रेज टू पावर बी एन टू ए रेज टू पावर सी है, तो हम क्या हो जाएगा ए रेज टू पावर बी प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस 1/5। सिंपल बस। अब ये ध्यान रहे कि जो भी आप पावर लिख रहे हो ना, वो अपर राइट कॉर्नर पर ही हो, बराबर में ना आ जाए, इसके साइड में ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रहेगा बच्चों, एलसीएम 15 आ गया, तो ये कितना हो गया 2 5 10 प्लस 1 3 3। सो फाइनल आंसर कितना हो गया बच्चों, 2 रेज टू पावर 13/15, यही आपका आंसर है। सिंप्लीफाई करना था, ये सिंप्लीफाई फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों, पावर की भी पावर है, तो यहाँ पे हमें एक नियम और चाहिएगा, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक्स रेज टू पावर ए रेज टू पावर बी है बच्चों, तो वो कितना होता है, एक्स रेज टू पावर ए इन टू बी, ठीक है। बट यहाँ पे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कंप्लीट की पावर नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज करना है बच्चों। कैसे चेंज करेंगे देखिए ध्यान से, अब वन है, वन की कितनी भी पावर कर ले, एक ही बात है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 7। अब पूरे की पावर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर पावर सेम है तो पावर हम पूरे नंबर पे लगा देते हैं और रेज टू पावर 7। अब पावर की भी पावर है तो प्यारे बच्चों कितना हो गया, आप लिख भी सकते हो यहाँ पे बाई यूजिंग ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया, बाई यूजिंग दिस रूल, तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, बेस एज इट इज और पावर आप उसमें मल्टीप्लाई में 3 इंटू 7 कितना हो गया बच्चों, 21। तो 1/3 रेज टू पावर 21, दैट इज इट, यही आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट 11 रेज टू पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 रेज टू पावर 1/4, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड है तो पावर बेस वही रहता है और पावर जो है वो क्या हो जाती है बच्चों, सब्ट्रैक्ट। तो बाय यूजिंग एक्स रेज टू पावर ए डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर बी इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर ए माइनस ए, तो कितना हो गया बच्चों ये 11, बेस रहेगा, रेज टू पावर कितना है 11 रेज टू, ये देखो डिवाइड है ना यहाँ पे, रेज टू पावर फर्स्ट पावर में से सेकंड वाली पावर माइनस कर दो, यानी कि न्यूमरेटर वाले में से डिनोमिनेटर वाली पावर जो है माइनस कर दीजिए, कितना हो गया बच्चों ये 11 रेज टू पावर, एलसीएम कितना आ गया 4, यहाँ पे 2 माइनस 1, ठीक है। तो 11 रेज टू पावर 1/4 और यही आपका आंसर। इसको ज्यादा से ज्यादा आप ना ऐसे लिख सकते हो, बट क्लास नाइन्थ में अभी आपको आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे
जो भी डिनोमिनेटर होता है वो इधर लिखा करें, और 11 इसको भी हम या फिर इसको नहीं, इसको कैसे लिख सकते थे? अगर वैसे बुक में आपका आंसर ऐसे ही मिलना है, बट इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। जो डिनोमिनेटर है ना फ्रैक्शन का, पावर के रूप में जब भी है फ्रैक्शन, पावर जब भी फ्रैक्शन के रूप में है, तो डिनोमिनेटर जो है वो रूट बन जाता है और जो न्यूमरेटर है वो पावर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। हालांकि यहाँ यहीं तक आपको एनसीईआरटी बुक में आंसर जो है वो मिलने वाला है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखो। 7^1/2 × 8^1/2 बेस डिफरेंट पावर सेम, बेस डिफरेंट पावर सेम, और बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या करो डायरेक्ट जो है बेस की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, पावर सेम कर दो। तो बाई यूजिंग 8^b × 8^c, नो बेस दिस टाइम जो है डिफरेंट है, × c^b इक्वल हो जाएगा बच्चों a × c^b, यानी कि पावर अगर सेम है तो पावर सेम रहेगी। पिछले क्वेश्चनों में क्या था, बेस सेम था तो बेस सेम रखा था, पावर के साथ हमने छिड़काने की थी। यहाँ पे बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो पावर सेम रहेगी, बेस को जो भी रूल अप्लाई करना है वो कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 7 × 8^1/2 सो दिस इज इक्वल्स टू 56^1/2 या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 56 स्क्वेयर रूट है, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखना होता, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी। सो विद दैट योर चैप्टर एंड द एक्सरसाइज इज ओवर, और उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों ने अच्छे से जो है क्वेश्चन समझे होंगे, समझ में आए होंगे। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करें, वीडियो पसंद आ रही है तो भी कमेंट करके बताया करें, और वीडियोस को लाइक करें चैनल। अगर किसी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।